नमस्कार सत्याकाल यू वॉचिंग 1716 मैं आपका दानिश शर्मा और आज तारीख है 28 अगस्त 2023 का ये ब्लॉग है दोस्त। और अभी जो टाइम हुआ ना 10:30 यानी 11 बज चुके ब्रेकफास्ट करके, क्योंकि संडे के टाइम में ऐसा कि काफ़ी टाइम बाद धूप लगाने का मौका मिला। इतने दिनों से यहाँ बारिश थी, मतलब कंटिन्यूसली जो है बारिश चली हुई। अच्छा और सॉक्स ले आना बाहर, सॉक्स भी सूख गए होंगे बाहर। अच्छा पॉलिश कर दी इसने जूतों में, अच्छा एहसान कर दिया मेरे ऊपर, चलो कोई बात नहीं। तो क्या बोलते हैं, फिलहाल इस जूते पॉलिश का जो एहसान है ना मुझे बाद में चुकाना भी पड़ सकता है भाई, क्योंकि रिस्क है। क्योंकि अगर कोई वाइफ अगर अपने हस्बैंड की मदद कर रही है ना तो भाई समझ लो कि कटने वाले हो, ठीक है। तो फिलहाल अभी के लिए इतना ही है, फिलहाल मैं स्टार्ट करता हूँ। और साथ में अपने हमारे भाभी रहते हैं, विपिन भैया वगैरह रहते हैं, जो पड़ोसी है, उन्होंने नाशपाती और नमक पीसा हुआ है। तो आजकल जो टाइम चला हुआ है, सीजन जो चला हुआ है, नाशपाती और एप्पल का सीजन चला हुआ है, खाने का जो है मज़ा आता है। देखते हैं भाभी से पता करते हैं भैया नमक क्या क्या डाला उसमें। फिलहाल मैं आपको बता रहा था कि काफ़ी दिनों बाद एक तो बारिश आई, ठीक है, मतलब काफ़ी दिनों से जो है ना बारिश चली हुई थी, ना कपड़े सुखाने का मौका मिल रहा था ना गद्दे सुखाने का। तो आज सुबह हम मॉर्निंग में उठ के ही हमने सबसे पहले क्या क्या किया वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, लेकिन आपको मेरी वीडियो को एंड तक देखना होगा। और बारिश सबने जो है ना अपने अपने गद्दे सुखा रखे बाहर, ये देखो बाहर जाके दिखाता हूँ, सबने सुखा रखे, हमने भी सुखा रखे, ठीक है, यहाँ जो गद्दे पड़े थे। और एक चीज़ बहुत मैंने कहीं सुना था कि जिस बेड के नीचे आप लोग सोते हो ना, जहाँ आपका बेड होता है, उस बेड के नीचे अगर आप मोर का पंख और एक या दो दो रुपए के सिक्के रख दो तो धन की कमी नहीं रहती है। और वो मोर पंख रखने से कभी बुरे सपने नहीं आते, मैंने टीवी में मतलब किसी वीडियो में देखा था, सुना भी था और वीडियो में देखा भी था। तो ये जो है हमने यहाँ रखे हुए, अगर आप लोग भी ट्राई करके देखना इस चीज़ को कि भाई इससे फर्क पड़ता है नहीं पड़ता है, ठीक है। तो फिलहाल ये मोरे जी का पजामा है हमारा, हमारा मोरे पजामा कहीं भी खोल के कहीं भी फेंक देता है। मैं नहा धो के फ्रेश हो चुका हूँ, ये भी हो चुकी है, पूजा पाठ भी हो चुका है। तो सारा जो आप सामान है ना देखो कितनी सिलन होगी, आप देख सकते हो कि इस बार की जो बारिश, यहीं से अंदाजा लगा सकते हो आप कि इस बारिश ने कितना नुकसान किया है। कभी हमारे इस कमरे में मतलब पानी अंदर की तरफ को नहीं आता था, लेकिन इस बारिश में हमारा क्या, काफी लोगों के घर का नुकसान तो किया ही किया है, काफी लोगों की जो है जिंदगी भी गई है, ठीक है। ये देखो आप, ये है पानी, ठीक है, क्योंकि बारिश इस कदर हुई है, इतनी खतरनाक हुई कि अंदर की तरफ को आया है, अंदर के जो कपड़े थे वो भी हमने धूप में सुखा रखे हैं, ठीक है। तो यहाँ का नहीं, यहाँ का सब कुछ ठीक है, यहाँ के गद्दे हम पहले सुखा चुके थे। तो मैं जा रहा हूँ किसी काम से कहीं, तो मैं सोच रहा हूँ क्यों ना बुलेट की चाबी ले लेता हूँ और आज मैं चलाऊंगा बुलेट। तो ये दिखाता हूँ आपको, पहले मैं हेलमेट निकाल लेता हूँ। हाँ शर्म तो कर ले, अंकल जी बोल रही है इतने हैंडसम भैया को, हाँ इतने हैंडसम भैया को तू अंकल बोल रही है, देख ब्लॉग देख रहे यार ये मुझे अंकल, मैंने कहा देखो ये मुझे अंकल बोल रही है, आप बता देना देख कितने कमेंट्स आएंगे, मतलब मुझे अंकल बोलती है, तो आप अंकल ही हो, मैं अंकल लग रहा हूँ, चल कोई नहीं परे आया रुक जरा। तो ये पानी की जो बोतल है ना मैं भर के लेके आया हूँ बसाल से, क्योंकि आजकल पानी जो है फ्रेश पीने को भी मिल रहा है, थोड़ी बहुत पानी की कमी भी है, तो इसको मैं लेके आया हूँ बसाल से भाई, बहुत मीठा पानी, बहुत बढ़िया पानी है। अब सॉक्स पता नहीं कहाँ रख दी हुई है इसने, अब चला। तो ये सभी जन सभी लोगों ने अपने अपने कपड़े जो बाहर सुखा रखे, एक तो काफ़ी दिनों बाद धूप देखने को मिली है, क्योंकि इतनी दिनों से बारिश थी, यहाँ पर थोड़ा सा सुकून मिला। ये हमने सब जो है घर के बाहर ही लगा रखे भाई। अब ये भाई मुझे बता देना कमेंट्स करके कौन कौन सा जो है प्लांट लगाया हुआ इसने, मुझे तो इतनी ज़्यादा नॉलेज नहीं है। देखो मेरे को अंकल बोल रही है, अच्छा एक छोटा सा डेमो, अगर मैं इनको भाभी जगह आंटी बोलूं मुझे देख अच्छा नहीं लग रहा, नहीं आप लगी नहीं आंटी, मैं क्यों बोलूं भाई, आप लग नहीं रहे हो आंटी, मैं तो फिर भी यार अभी 32-33 साल का, तू मुझे अंकल बोल रही है, इतने हैंडसम बंदे को भाभी जरा समझाओ जरा, इतनी छोटी है तो अंकल ही बोलेगी, अच्छा जी क्या क्या बनाया भाई, अच्छा नमक में किसने बनाया पहले, नमक बनाया किसने पहले बताओ, बनाया नहीं भाभी ने बनाया होगा, नहीं क्या क्या डाला इसमें बताओ पहले, मिर्च नमक अच्छा, ओ भाई बंद कर इसको, बंद कर देखो वहां से यहाँ इसलिए आया कि तू फोन देख सके मोरी, पापा ने क्या सिखाया आपको बेटा कि फोन नहीं देखना है ना, और एक्टिविटी कर लो है, और तो दूसरी बार अंकल ना बोलियो, नहीं तो मैं वाकई में बतख पाल लूंगा, ये मत बोलियो फिर ये इसको पूछ
अच्छा जी इसको पूछ ले, इसको पूछ ले, तेरी तो बहुत दूर की बात है, इसी को पूछ ले। छिड़की चल रहा है कि चल रहा कौन? अरे भाई ये आपको पता है कब के कपड़े, टी शर्ट धोई भी तब भी इसमें से स्मेल नहीं जाती, तब भी इसमें से खुशबू नहीं जाती। आप इसको चाहे जितना मर्जी धो लो, हफ्ते 10 दिन चल जाती है। यार इसको पूछ लो यार, इसकी फ्रेंकनेस बहुत जबरदस्त है। और कौन सा ये विला? हाँ विला। नहीं तू बता, इतने कपड़े धोती इसमें जाती नहीं है, 3-4 दिन बाद जाएगी जब धोएगी। सुन मेरी बात, जानी की है जो दिन भर 3-4 बार छिड़क लड़ाई, एक बार प्याज का छिड़कना, एक बार दिन छिड़ा, एक बार संजय, तो तू रचड़ेगी ना, देश में पैसे है ना खर्च करने चाहिए। यार क्या नाशपाती खा रहे हो? नाशपाती मतलब पेट खराब हुआ। क्या हो सी? पेट खराब होता है। किसने बोला कल जाते दिन जाते हो? किसने बोला पेट खराब नहीं होता? मैं बोल रहा हूँ पेट ना ज्यादा नहीं खाने पड़ते। ओ भाई थोड़ा कम खाओ, बता नहीं क्या होता है? नहीं नहीं कुछ नहीं खा, तो मॉर्निंग चाहिए। पानी नहीं पीना चाहिए इसके ऊपर से? अच्छा पानी नहीं पीना चाहिए फ्रूट के ऊपर से, कोई भी फ्रूट के ऊपर से पानी नहीं पीना। अरे ये तो मुझे अंकल नहीं बोलता, देख ये मुझे दानिश भाई बोलता है। वो मुझे क्या बोलता है? सच बता क्या बोलता है मेरे को? नहीं नहीं बोल रहा। सच सच बता अंकल है भैया बोला ये मेरा भाई। हाँ नहीं यार रहने दे, कौन कौन बार बार पजामा उतारता रहेगा यार वहाँ, कौन सा मैं ये थोड़ा करके बैठना तेती क्यों सही बात नहीं है, है? अरे सुन सुन के मजे ले रही थी, मजे ले रही पजामा मेरा फटा हुआ है, हंसी इनको आ रही है। हाँ अरे रहने दे यार, वहाँ क्या काम भी तो करना होता जाके, मजाक नहीं कर रहा हूँ। झूला भी झूला की बनाना था भाई, इतनी बार की पढ़ना झूला नहीं, ये गुलेरिया साहब गड़ी है, ये गड़ी ही छोड़ गए वे नहीं यार। ये देखो भाई मौर्य के हाल, मौर्य की कंप्लेंट आई है, और अभी मुझे जो है ना नंदनी से पता लगा और भाभी से पता लगा कि इसने तेरे लड़के ने हमारा फोन पानी में फेंका। मौर्य तूने फोन पानी में फेंका है? क्यों क्यों फेंका, क्यों फेंका? या देख तेरी जहाँ जाते वहाँ कंप्लेंट आती है। एक तो फोन खेल गेम खेलने के लिए भी दो इसको। अरे सेम डे अम्मू ने भी किया ऐसा ही अपने मामा, भाई कुछ खाना खुना गिरा, मतलब लाइट खाना गिरा। अंजलि लाइट ऑन करी जरा। अंजलि अच्छा अंजलि यार अंजलि खराब करता रहा फोन आवाज में। पंखा कैसे चला था अभी जो लाइट नहीं है? वही लाइट कहाँ है? मैंने कहा था पंखा कैसे चला फिर? ये अब यार लाइट हो रही है यार। मौर्य 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 तूने पहले बता कि फोन क्यों खराब किया, नहीं तो आपने इसको कुछ बोला नहीं जब इसने आपका फोन फेंका पानी में। सोचा यार हमारे पड़ोसी में इतनी पेशेंस है कि इसने बेचारे ने फोन फेंका, इन्होंने कुछ नहीं बोला। अब पता नहीं हमारा फोन गिरता तो उसको बहुत मार हो, बहुत पिटाई पड़ती है इसको, बहुत पिटाई पड़नी तेरे को। मौर्य तेरी कोई ऐसी जगह है जहाँ से कंप्लेंट नहीं आती है? तेरे को कवर की पड़ी है, इनारा इतने फोन खराब ही करा ताकि तेरे को कवर की पड़ी। डर तो गया है, मैं कहा तेरे पापा मम्मी का और तेरे पापा का फोन ले लेंगे। ना ना डरती तो इससे भी नहीं, इससे नहीं डरता है, डरता मम्मी का तेरे पापा का फोन ले लेंगे। बोलो नहीं अंकलों से डरते। ये जहाँ जाता है ना वहाँ से कंप्लेंट मिलती है, स्कूल में जाता है वहाँ कंप्लेंट मिलती है, नानी के पास जाता है वहाँ से कंप्लेंट आती है, दादी के पास जाता है वहाँ से कंप्लेंट आती है, कहाँ से तेरी कंप्लेंट नहीं आती है? नहीं क्या बोलता नंदिनी, क्या बोलता तू बोलती नंदिनी को बुलाऊं? नंदिनी आजकल तूने नया ही टेरर बनाया हुआ कि नंदिनी की मम्मी इसको हॉस्टल भेज रहे। मौर्य मानता क्यों नहीं तू? नंदिनी दीदी को मगर लेने आए वे। हाँ हॉस्टल में लेके नंदिनी को बोलती हूँ से भी गेस्ट तेरे को लेने आया था। हाँ इसको हॉस्टल छोड़ देंगे नंदिनी, तो चल तू अपना नवोदय के देखे, सुन ले नवोदय के देखे फायदा नहीं है। कौन सी क्लास में? नाइन्थ छठी से देना चाहिए था इसको, छठी से देना चाहिए था इसको। नाइन्थ में भी जाएंगे तो क्या होना, दो साल करके, दो साल जाके वहाँ क्या फायदा है? छठी से देखो एजुकेशन लेनी चाहिए थी, दो साल के लिए मतलब 2 साल के लिए शांति लेने जाएगी वहाँ। मतलब तेरा इशारा बाबी की तरफ है, पंडित बन गया हो गया सुना, मतलब तेरा इशारा बाबी की तरफ है, बाबी मतलब तेरे से काम करवाती इसलिए तू बोलती है ना। तो लग जाना कहानी है ये भाई, ये इससे इससे इस बेचारे ने क्या बोला तेरे को यार? देख इतना शरीफ लग रहा है, देख आराम से चुपचाप पढ़ रहा है, कानों में हेडफोन लगाया बंदे ने। क्यों मोरी पहले
हमारी हाथापाई होती थी अभी होती वो यार तेरी तो तुम्हारी कितनी की हाथापाई हुई थी मेरे को पता बाहर तक खींच देते जब तक बस खून ना निकला बस मेरी हिस्ट्री सुनेगी ना मेरी हिस्ट्री तो बोले तू बोलेगी भैया इतने तो गंदे हम वाकई में नहीं है सोच इतने गंदा था मैं सच्ची बात है नहीं इतने लड़ते रहिए मैंने ना अपनी बहन को ना यार क्या बोलूं उसको तो मैं वैसे गंजी बोलता हूँ तो बेचारी ये जो झेल रही है मेरे को ये सच में झेल रही है क्योंकि एक औरत ही एक औरत का दर्द समझती है लेकिन मर्द का दर्द कोई नहीं समझता मर्द का दर्द बहुत दर्द में मर्द का जो दर्द है ना वो कितने दर्द में वो हम भी जान सकते हैं अच्छा लग के जा रहा है यार पता तो ये तेरे को यार अच्छी तरह देख बहुत दुख में फोन साफ कर रही है लोग करा फोन खराब कर इसके टेंशन ही नहीं है मौरी टेम्पर ग्लास ना देना नहीं नाशपति बस यही थी और भी है कुछ नाशपति और है पेट का डाउट रहता है थोड़ा सा यार कि पेट पूट खराब यार तुम निकल जाओ ठीक है फिर चल ठीक है फिर नंदनी बतख जरूर पाल लिए ध्यान रखियो मैं इसको बोलता हूँ और वैसे इसका नाम रखा हो मैंने नहीं ये फ्रस्ट्रेशन निकालते हैं अपनी और बाद में होते हैं प्यार से रखा हो वो वाली मीम करेगी सचिन फिर राइट दानिश